गाइस आज मेरा फिलॉसफी का पेपर है। मेरी हालत देख के आपको पता लग गया होगा कि कैसा पेपर है। वलीद ने मुझे सारा पढ़ा दिया के आधे घंटे में, और मायरा अभी तक पढ़ रही है क्योंकि उसने जिद पकड़ी हुई है कि वो हमारे साथ नहीं पढ़ेगी। मायरा तुमने क्यों जिद पकड़ी हुई है हमारे साथ ना पढ़ने की? फिलॉसफी का पेपर हो गया और बाकी की बातें रिजल्ट के बाद करेंगे। वलीद कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा। वो इसका अच्छा ही होगा क्योंकि इसी ने हमें पढ़ाया, जाहिर है फिर इसका अच्छा तो होगा। इसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आए ना तो मैं इसको छोड़ूंगी। बोली तुम्हारे मार्क्स मुझसे ज्यादा आए तो अच्छा नहीं होगा। मैं कहता हूँ सर मैं यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा। अब किसी को क्या पता कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रहे हो। बाद में बताएंगे। गाइस तो मायरा का पेपर हो गया और मायरा बाहर आ चुकी है। बहुत अच्छा हुआ। ये जितनी ओवर एक्साइटेड होती है ना फिर उतना पेपर होता है। तुम लोगों से साइड पर होकर तैयारी की थी ना इसलिए मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मार्क्स आएंगे ना तो गाइस मेरा वलीद का भी अच्छा हुआ था। अच्छा ना मेरा वलीद का भी। चलो देखते हैं किसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। मैं तो बस पास हो जाऊँ। मैं उन बंदियों में हूँ जो बस से पास हो जाऊंगी। गाइस हम आ गए यूनिवर्सिटी। सेकेंड डे है और मायरा तुम बताओ हम पेपर देखने जा रहे हैं लेकिन हमें मैम का सब आ रहे हैं। हमें मैम किधर है? मैम मैम किधर है? व्लॉग कोई नहीं बता रहा मुझे मैम किधर है। यार तुम लोग कितने फजूल हो। मुझे कैसे पता होगा जब मेरे सामने मेमुना शाह है। मैं फैन बहुत फजूल हो। हम मैम का ऑफिस ढूंढ रहे हैं कब से, और बस आप लोग दुआ करें मैं फेल ना हूँ, बाकी देखी जाएगी। अशिम मेरे कितने मार्क्स है? 27। नहीं करो यार 27 40 में से झूठ बोल रहे हो। क्या मार्क्स आए आपके? अच्छा अच्छा क्या मार्क्स आए आपके? क्या मार्क्स आए? 31। वाह यार टॉपर है हमारी क्लास की टॉप। आज लास्ट पेपर तो नहीं है, तुम क्यों तैयार हो क्या? ये देखा वो मुझे पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। ओह लाइक लोग इनको जो मैंने पढ़ाया है भाई बताओ। नहीं यार शिकरी ने हमें पढ़ाया। नहीं कोई नहीं पढ़ाओ ना। इसमें ये कहना है ना जो एक बात बार बार की गई है ना उसको अपने निकाल देना है ना। और जो जिसकी पर्सनल व्यूज है ना बस करो। पढ़ रहे ना हम यार पढ़ने दो। मुझे पता ही नहीं था यार इसको तो मेरी जैकेट नहीं लाई ना। मुझे पता ही नहीं था बारिश होगी। मुझे गर्मी लग रही थी मैंने कहा तुम्हें भी लग रही होगी। वलीद यस यस तुम यहाँ पढ़ाने आए हो ना तो पढ़ाओ उर्दू। अच्छा खैर वलीद ये रोल नंबर स्लिप है। तो गाइस हमारा उर्दू का पेपर खत्म हो गया और अच्छा खासा पेपर हो गया था। पेपर हो गया था। पौने 2 बजे की निकली हुई हूँ मैं। आधे घंटे से अकेले बैठ के वेट कर रही हूँ। मैं 2:30 पे निकली हूँ। 3 बजे खत्म होता है। मुझे लिखना नहीं आता उर्दू इसलिए। सिर्फ 2 बहनें हो और कोई दोस्त आपका ना हो तो अकेले बैठ के वेट करना पड़ता है। और अब हम जा रहे हैं घर। ये हमारा सेकंड लास्ट पेपर था। अब हम आपको मिलेंगे लास्ट पेपर पे। व्हाट ये गेट क्यों बंद है? फीमेल्स वाला गाइस फीमेल्स वाला गेट बंद है। हम आगे मेल वाले गेट से जाएंगे। गाइस हम अभी जा रहे हैं इधर से। हम जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ। तो गाइज अभी हम एड एंड पीआर का पेपर देखने जा रहे हैं क्योंकि आज मैम दिखा रही है और आज हमारा लास्ट पेपर है। मायरा अभी जाओ
तो अभी हमारा तो अभी हम जा रहे हैं पेपर देखने फैकल्टी कैफे में। जिंदगी में पहली बार एक्स्ट्रा शीट लिखी है, ठीक है, किसी पेपर में, और फिर भी 31 है। तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए नहीं कहा मैंने, बस ब्लॉग का छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए। यार एक तो बदतमीजी ना करो, ठीक है, इधर तुम्हारा ब्लॉग नहीं है, कर रहा हूं बातें ऐड कर रहा हूं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हो। मैं बदतमीजी कर रही हूं? कहां भी बदतमीजी कर रही हूं। जरगाम कितने मार्क्स है आपके? ए नेगेटिव। वाह 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 वाह। कितने मार्क्स है? पेपर मार्क्स है आपके? शिग्री मेरा पेपर निकालो प्लीज। तुम बोल लो, मेरा व्लॉग है, तुम बोल लो। मेरे मार्क्स ज्यादा आए, मैं बोलूंगी। रुको ना, मेरी ब्राइटनेस नहीं। तो गाइस हमारे एड एंड पीआर ने पीआर में मैं मार्क्स नहीं बताऊंगी, लेकिन मैम ने मुझे एक्सीलेंट दिए। मेरे इससे दो नंबर ज्यादा है, मुझे भी एक्सीलेंट दिया है। और ए प्लस होता है पता? अच्छा, कितने मार्क्स होते हैं? ए प्लस। वो ये जितनी भी गर्मी नहीं है जितना तुम स्लीवलेस पहन के आए हो। बहुत फजूल, उसको देखो ना। चलो आओ, जेब में तो रखो, इधर साइड में जेब दिखाओ ये। चलो चलो चलो, हम अभी लेंगे चाट। चाट लेने जा रहे हैं हम। अंकल चाट, चाट ले रही हूँ मैं, खिला रही हूँ। आज हमारा फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो गया, अब हम सीनियर हो गए। हम फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए। तो इस बात ऐसी है ना कि सबको लग रहा है मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था। जो 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 मेरी क्लास में मौजूद ये व्लॉग देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कोई अच्छा पेपर नहीं किया। ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए शीट्स मांग के उस पे लिखी जा रही है। लेकिन गाइस बस एट द एंड बात ये आती है कि शुक्र है हमारा फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो गया और पेपर हो गए और अब हम फन करेंगे। क्या मैं तुम्हारे पॉकेट से निकालती रहूंगी और फिर अंदर डालती रहूंगी तुम्हारा वॉलेट? ली तुम ज्यादा हंस दो नहीं, तुमने क्या किया है? तुमने पढ़ाया था ना, खराब हो जाता है तुम्हारे टॉप मार्क्स ना है ना वो लिख। किसके ज्यादा मार्क्स आएंगे करंट अफेयर्स में? शर्ट लग, तुम बताओ तो तुम लिख कर के आयो आखिर? तुम आखिर लिख कर के आयो? हिम्मत है तो शर्ट लगाओ। तुम आखिर लिख के आयो? गाइस कितने के क्या क्या लिख कर आयो तुम लोग? क्या क्या लिख कर आये? जब मैं ब्लॉग के लिए कैमरा खोलती हूँ शिगरी अपने ग्लासेस निकाल लेती है। क्या क्या लिख कर आई हो पेपर में? दो शीट एक्स्ट्रा लगी मेरी, लेकिन एक शीट एक्स्ट्रा लगी। इसको तो पूछो ही मत, इसको तो पूछो ही मत। मैंने कहा था ये टॉपिक पेपर की तैयारी में कर गया। रात के 12 बजे मुझे कहते हैं शिगरी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, युगांडा और चाइना पढ़ने हैं। तो गाइज हम डिजिटल मीडिया का पेपर देख, मैं सिंपली मुझे मार रहे। तो गाइज हम डिजिटल मीडिया का पेपर देख कर आए हैं और मेरे हैं अच्छे मार्क्स, और मायरा के भी अच्छे मार्क्स हैं, और वलीद के भी। हम अच्छे मार्क्स लेते होते हैं हमेशा। यस गाइज अब हम जाते हैं घर। तो गाइज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में और मायरा, क्योंकि अभी फ़िलासफ़ी का पेपर दिखा रही है मैम। हम फिलोसफी का पेपर देखने जा रहे हैं कि क्या मसला था, लेकिन मुझे बिल्कुल मार्क्स ही नहीं मिले थे। मतलब मैं नहीं बताऊंगी क्या मार्क्स थे क्या नहीं थे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि जैसे मैंने फिलोसफी का मिड का पेपर दिया ही ना हो, मतलब उसमें आप कंसिडर करें 0। तो मैंने
मैंने कहा चलो खैर, मैंने मान लिया, मैंने कहा चलो खैर है। मैंने कहा मैं फाइनल्स में 40 मार्क्स होते हैं, तो मैंने कहा मैं 40 में से इतने तो ले लूँगी कि मैं पास हो जाऊँगी, मतलब ओवरऑल जब मिला लेंगे, क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स और इंटरनल्स के मार्क्स मिला के मेरे तो कोई 34 के 36 मार्क्स बन रहे थे ना, तो 50 वाला पास होता है ऑब्वियसली, 40 मार्क्स का फाइनल पेपर था, तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने किया, मैंने और कोई पेपर में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैंने फिलॉसफी में इतना पढ़ा ना कि मैं वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके आई थी पेपर में, इतना मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पेपर देखने, अगर अभी भी मुझे फेल किया हो ना तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो अच्छा नहीं होगा, मतलब आप लोग गाइस करंट अफेयर्स की में हम दोनों ने ए ग्रेड लिया, सिर्फ करंट अफेयर में ही ए ग्रेड आया हमारा। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने जो है बाकी पेपर्स में बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे लाइक बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, जज ना करें हम लोग, हम बड़ी दिखाते हैं। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और यहाँ पे ब्लॉग एंड हो जाता है, बस हमारी उर्दू और उर्दू के मार्क्स रह गए हैं और उसमें पता है अच्छे ही होंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय गाइज, आई एम बैक अगेन, मैंने बाय बोल दिया था, लेकिन उर्दू के मार्क्स पता लग गए और अच्छे खासे मार्क्स से मैं भी पास हो गई और मायरा भी पास हो गई। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, अब से बाय गाइज। मैं वापस आ गई हूँ घर, कपड़े मैंने चेंज कर लिए। तो गाइज स्टोरी जो मैं सुना के गई थी आप लोगों को, असल में कुछ और थी, मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि मतलब यूनिवर्सिटी में इतने मुनाफिक लोग होते हैं, मतलब सांप, आपको सांपों से बच के रहना है, बस आप खुद अपने लिए सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। मतलब टीचर की कोई गलती नहीं थी मेरे पेपर में, टीचर की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती जो थी मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मतलब किसकी थी, आपने सारे काम खुद करने, कभी सीआर या जीआर पे अपना काम नहीं छोड़ना, मतलब यार इतनी मुनाफिकत दुनिया में भरी पड़ी है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब आप लोग को सच्चाई पता लगती है ना तो आप लोग शॉक हो जाते हैं कि मतलब ये क्या था। और यार मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा कम है यूनिवर्सिटी में, मेरे इतने दोस्त नहीं हैं, मतलब एक मेरी बहन मायरा मेरे साथ जाती है यूनिवर्सिटी और एक और मेरा दोस्त है बस, और कोई भी नहीं है, बाकी सबसे मेरी बस सलाम दुआ है अच्छी खासी। लेकिन गाइज यूनिवर्सिटी आप लोग की सांपों से भरी पड़ी है, जो एक यहाँ से डसेगा हर जगह से आप लोग को डसेगा, और आपने खुद को खुद बचाना है, ये मेरी एडवाइस थी आप लोग को इस व्लॉग में। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग मी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।